बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं एक बहुत केस लड़ रहा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था और वो उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविज़न चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इम्पोर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, इयान बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक़्त सारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा कि तुमने अदालत में जाके कहना किया, मैं कोच नहीं करूँगा, ये हमारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, मेरी तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिए, मैं ज़बरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफ़ा थी। उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी हो। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा अगर आपने किसी चीज के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तुम्हारा खत्म करके जज को कहूंगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूं। उसने कहा और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि उनका इखलाकी मियार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर वो भी, अब ज़रा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था और ज्यूरी थी, 12 लोगों के ज्यूरी बैठती है, जज होता है, फिर ज्यूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज ज्यूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है, तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं। बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही, पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, लेकिन मैंने कहा मैं हक पे खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि वो माशरे आज खुशहाल और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी जिंदगी का दौर पे लगा के, यानी समुंदर में डूब जाते हैं लेकिन वो पहुंचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं, उसकी वजह ये है कि वो हमारी से इखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ इंसाफ का निज़ाम है। जो मैं बार बार अपनी, मैंने तो पार्टी शुरू ही की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनकी उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हमारे से कि उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतुल आलमीन है ना, जो उन मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडेप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर
ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो। अब असूलन उसको जीत जाना चाहिए था क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी था, वो बरतानिया का हीरो था, लेकिन इंसाफ का निज़ाम ये था कि पाकिस्तानी जाके वहाँ केस जीत जाता है। और याद रखें कि ये वो एक रवायत मदीना की रियासत से हमारे लिए, तब वहाँ ऐसा इंसाफ नहीं था। जब मदीना की रियासत बनी तो ये मगरबी ममालिक में कोई इंसाफ नहीं था, वहाँ भी जंगल का कानून था। हम मुसलमानों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इंसाफ का निज़ाम लेके आए थे कि हज़रत अली एक यहूदी शहरी से जबकि वो खलीफा वक्त थे केस हार जाते हैं क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। सोचे हज़रत अली का क्या मुकाम है, लेकिन इंसाफ का निज़ाम देखें। और एक अकलियत एक खलीफा वक्त को से केस जीत जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये याद रखें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ताकतवर आज कानून से ऊपर है। और मैं इसलिए आपको ये बातचीत इसलिए आज आपसे कर रहा हूँ और मैं आपको मिसालें देने लगा हूँ कि हो क्या रहे हैं यहाँ। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर कानून चोरी करे तो उसको बच जाए, तो जो कमज़ोर हो वो ही सिर्फ जेलों में जाए। तो ये हो रहा है आज पाकिस्तान, अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी देर से है, लेकिन अब तो उस इंतहा पे पहुंच गया है कि हमें खौफ आना चाहिए कि मुल्क अब जा किधर रहा है। मुझे खौफ आ रहा है, मैं कोई पॉलिटिक्स की वजह से ये बात आपसे नहीं कर रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आ रहा है क्योंकि मैंने मुल्क छोड़ के नहीं जाना। लोग जो भाग जाते हैं मुल्क से या जो अपने, मेरे भी बड़ा आसान है, अगर मैं दुनिया में बाहर जाऊं तो मैं जा सकता हूं, मेरे लिए तो इमरान खान के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन आम लोगों की मैं आज बात कर रहा हूं, आप जब सब सुन रहे हैं, कितने लोग आप बाहर चले जाएंगे? तो ये तो वो मेरे नबी ने जो 1500 साल पहले कहा, हम तो वो तेजी से उधर जा रहे हैं। और हमारा वो आज जो वहां हो रहा है, खैर उस पैमाने में तो नहीं पहुंच सकते कि मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी ने भी जुर्म किया तो उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने आते साथ ही पहली स्टेटमेंट, मैं इंसाफ कायम करूंगा, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊं। हजरत उमर ने अपने बेटे को सजा दिलवाई उसने जब कानून तोड़ा। हम तो वो उनकी उम्मत हैं जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर हैं। और आज यहां जो हो रहा है, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था, हमें शर्म आती है, दुनिया हमें देखती है, हमें शर्म आती है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। मौलाना रूमी से जब पूछा कि कौम कैसे मरती है जो हम आज नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है, जब वो अमर बिल मरूफ से हट जाती है, जब वो एक वो तबका जो मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म करने वाला तबका है, जब उसको हम ऊपर बैठा देते हैं क्योंकि एक आदमी फैसला करता है बंद कमरों में तकब्बुर से भरा हुआ, पावर इतनी उसके पास, वो बड़े जोरों शोरों से फैसला कर रहा है कि जनाब इमरान खान को हटा के, तो मैंने उनको और शहबाज शरीफ से, तब से इसकी बातचीत चल रही थी जनरल बाजवा की, अब तो आज ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया कि एक साल, अभी एक साल मेरी गवर्नमेंट को नहीं हुआ था, वो कहता तब से सोच रहा था कि इसको गिराने का। भाई तुम्हारी उसकी हैसियत क्या थी? इलेक्ट करके मैं आया हूँ, पब्लिक के वोट से मैं आया हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसने फैसला कर लिया। और ये याद रखें कि ये जो आज हो रहा है ये मुल्क के साथ, ये सबसे बड़ा जनरल बाजवा इसका जिम्मेदार है। आपको पता है कि जो हमने IMF मेरे पास आई मिलने, जो हमने, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने जा रही थी इसलिए उनको ये $3 अरब IMF का चाहिए था। IMF की स्टैंड बाय अग्रीमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये समझ जाएं कि जिस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, हमारी ये जो मईशत के अभी हालात है इसने बिल्कुल ही बैठ जाना था क्योंकि फंडिंग ही बाहर से ख़त्म हो जानी थी। और वो नहीं ख़त्म होनी थी, जो फिर उसके बाद महंगाई आनी थी। और आज जो महंगाई का हाल है, आप तसव्वुर करें ना कि मैं सारे तनख्वाहदार तबका जो आज बैठा हुआ है, गरीब लोग, पेंशनर्स, मजदूर, जो आज महंगाई है, अगर डिफॉल्ट करता इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी,
इसलिए हमने फैसला किया, हालांकि वो सोचें 10,000 लोग हमारे जेलों में, इमरान खान के ऊपर 180 केस हो चुके हैं, पहुंच गए हैं 180 तक, हमारी सीनियर लीडरशिप जेल में, लोग अंडरग्राउंड में, घर तोड़ रहे हैं उनके, हर किस्म का उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए हमने कहा ठीक हम ये अग्रीमेंट करते हैं ताकि मुल्क ना बैठे। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है, मेरा सवाल ये है कि जिधर आज हम खड़े हैं, क्या ये जो ऊपर हुक्मरान हैं इनसे हमें कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये ऊपर बैठे इसलिए नहीं है कि इन्होंने मुल्क ठीक करने आए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको 5 साल पहले से कह रहा था, ये NRO वाले लोग हैं जो मेरे पीछे सिर्फ पड़े हुए थे, सब इकट्ठे होके जी APDM बन गई है जी, डेमोक्रेटिक अलायंस है। सिर्फ मकसद एक था कि किसी तरह करप्शन के केसेस से ये निकले, और मैं उसी पे चल रहा था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब फरमान दिया कि कौमें तबाह हो जाती हैं, ताकतवर को अगर आप माफ़ कर दें, उसको वो चोरी करे उसको ना पकड़े, तो आज वही हो रहा है। सारी जनरल बाजवा उसको जब आज़म स्वाति को उसने मार पड़वाई, उसने ये ट्वीट लिखा है ना, शुक्रिया जनरल बाजवा आपने NRO 2 जो दिया इन लोगों को, उसके ऊपर उसने उसको मार पड़वाई और उसके ऊपर तशद्दुद करवाया। तो आज ये ज़रा सुन लें कि इनके केसेस, ताकि पहले मैं पहले ये सुन लें और फिर सुने कि जो मेरे से अब किस तरह के केसेस किए जा रहे हैं, जरा से मुवाजना कर लें। सबसे पहले नवाज शरीफ का केस, वो केस क्या था? इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर, दुनिया के अंदर एक इंकशाफ हो जाता है, जिन्होंने अपने ऑफशोर अकाउंट्स में कंपनियों के पीछे प्रॉपर्टीज ली होती है। तो बड़े बड़े दुनिया के अंदर वजीर भी थे, कोई एक आध मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी था, और बड़े नाम उसके सामने आए, बल्कि बरतानिया का उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आ गया कि उसकी भी प्रॉपर्टी है, दुनिया में शोर मच गया। तो उधर पता चला कि चार जिन सबसे महंगे लंदन के इलाके में जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं, वो नवाज शरीफ की बेटी उसकी असल मालिका थी। अब सबको पता था कि उसके पास तो पैसा नहीं, इसका मतलब नवाज शरीफ ने खरीदे। अब ये था केस, 1.5 साल अदालत में चला, नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा हाँ ये है हमारे फ्लैट्स माने, और कहा ये हैं ज़राए कि जिसके ज़रिए मैंने ख़रीदे। जब अदालत में केस शुरू हुआ तो उधर से और कहानी बदल गई, वो ज़राए गायब हो गए, लेकिन उसने कहा जी कतरी खाता आ गया कि जी कतरियों ने हमें ये कोई डील हुई थी, कोई कतरियों से डील हुई थी, तो उन्होंने हमें ये मुफ्त के दे दिए फ्लैट। ये उसके बाद ये कहानी आई, फिर उसके बाद कलेबरी फॉन्ट आ गई। अदालत के अंदर मरियम नवाज़ ने झूठ बोला, क्योंकि वो जो जिस फॉन्ट जिससे जो लिखे गए थे कॉन्ट्रैक्ट, जो इसने अपने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, वो जो अग्रीमेंट थी वो अभी तक ईजाद ही नहीं हुई थी, जब इसने वो 2007 में हुई, उन्होंने 2006 में, क्योंकि जाली कॉन्ट्रैक्ट था। झूठ की सीधी 3 साल सजा होती है, वो भी वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जनाब सजा हो गई बाद में एवन फील्ड में, और फिर दूसरा नवाज शरीफ का था वो, एक और उसकी जो सज़ा थी हिल मेटल या उसकी अजीज़िया मिल थी उसके ऊपर, तो इसको सजा हो गई, मरियम नवाज़ को सजा हो गई। अब अदालत क्या करती है, अब ये पूछा क्या जाता है, ज़रा सुने, वो मान गए कि हमारे फ्लैट हैं। अदालत अब ये पूछती है इनसे कि जनाब बताएं, आप साबित करें, नैब को कहती है कि आप साबित करें कि ये वाकई इनके फ्लैट हैं, वो रह रहे हैं वहाँ 30 साल से या 25 साल से, वो मान गए हमारे फ्लैट है, लेकिन अदालत कहती है नैब को कि आप साबित करें कि क्या वाकई इनके फ्लैट है। कैसे कोई साबित कर सकता है? अगर आपने ऑफशोर अकाउंट्स बनाए हुए हैं बाहर वर्जिन आइलैंड्स में, तो कोई साबित नहीं कर सकता। इस तरह तो जो भी आज मैंने चोरी करनी है पैसे, मैं भी वो वहाँ बाहर कंपनीज के पीछे मैं खरीद लूँ प्रॉपर्टीज़, तो साबित कौन दिया? इनको सदियां लग जाएंगी साबित करने में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा शहबाज शरीफ, अब ये ज़रा सुन लें, शहबाज शरीफ की 16 अरब रुपए के इनके बेटों की के बैंक अकाउंट्स में पैसा आता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसमें मकसूद चपरासी के बैंक में 3 अरब से 3.5 अरब रुपया आ जाता है,
एक चपरासी के बैंक अकाउंट में, और साथ इनका नैब में केस होता है, इन्होंने फेक अकाउंट्स दिखाए होते हैं, जो लोग कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए उनके नाम में उन्होंने कहा जी हमें इंग्लैंड से रेमिटेंसेस मिल रही हैं। यही हुदैबा पेपर मिल में इस शरीफ खानदान ने किया, जो इसहाक डार ने अपने 164 के बयान में बताया 2001-2002 में कि मैं इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, यहाँ से पैसा बाहर भेजता था, उधर किसी कोई काजी फैमिली थी उसके अकाउंट में जाता था, उसने बकायदा बताया सब कुछ, उस अकाउंट से फिर पैसा पाकिस्तान इनकी खानदान के नाम पे आता था। यानी मनी लॉन्ड्रिंग ये हुदैबा पेपर मिल से 25 साल पहले से शुरू की हुई थी। वही शहबाज शरीफ वही पैटर्न किया, वही आसिफ जरदारी के फेक अकाउंट्स में वही पैसे, यहाँ से फेक अकाउंट से पैसे बाहर भेजाओ, उधर से दिखाओ कि जी मनी रेमिटेंसेज आए हैं और वहाँ से पैसा मंगवा लो, बाकी बाहर रख दो। असल पैसा इनका बाहर पड़ा हुआ है, सिर्फ जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो मंगवाते हैं यहाँ। तो ये अब आप ये सुन लें कि ये शहबाज शरीफ का केस था, शहबाज शरीफ भी केस से निकल गया, नवाज शरीफ भी केस से निकल गया। शहबाज शरीफ केस से कैसे निकला? शहबाज शरीफ केस से ऐसे निकला कि उन्होंने पहले तो जनाब आते साथ ही एफआईए का सरबराह तब्दील किया, क्योंकि जनरल बाजवा ने इसको ऊपर ला के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जब अंडर ट्रायल था, शहबाज शरीफ और इसके बेटे अंडर ट्रायल थे, तो जब हमारी गवर्नमेंट कराई इसको ऊपर बैठा दिया आके, उसने आके आते साथ ही एफआईए का हेड चेंज किया, उसे प्रोसिक्यूशन को चेंज किया, जो प्रोसिक्यूशन थी उसको चेंज किया, उन्होंने जो पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मिस्टीरियसली डॉक्टर जवान को पहले हटाया और वो हार्ट अटैक से मर गया, उसके बाद मकसूद चपरासी मर गया हार्ट अटैक से। अरशद शरीफ जिसने बड़ी डिटेल्ड इस केस के अंदर काम किया हुआ था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका कत्ल हो जाता है, और कोई इन्वेस्टिगेट जज भी इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि जरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वॉल्यूम्स पड़ी हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन में, वो भी ख़त्म हो जाती है। उधर से नैब का हेड चेंज करते हैं, नैब का हेड जब चेंज करते हैं आफताब सुल्तान, तो मैं आज उसको सलाम करता हूँ कि वो जब आया तो उससे जब गलत काम करवाने की कोशिश की उसने कहा मैं नहीं करता, और उसने रिज़ाइन किया। फिर एक और आदमी को लेके आए जो मौजूदा आदमी है, वो सारे केसेस इनके ख़त्म, नैब भी के केसेस ख़त्म, शहबाज 8 अरब के, और ये भी केस ख़त्म, ये जो 16 अरब रुपए के ये जो एफआईए के केस अब वो भी ख़त्म हो क्योंकि अपने लोगों पर बैठा दिए। तो उधर वो हो गया, उधर आसिफ जरदारी के फेक अकाउंट्स केसेस थे वो पहले फ्रीज होते हैं, जनरल बाजवा की डील हो रही होती है आसिफ जरदारी से, पता नहीं क्या डील है वो करते हैं, वो भी सारा ख़त्म हो गया, तो जरदारी भी पाक हो गया। जरदारी वो आदमी है जिसको 2 दफ़ा नवाज शरीफ ने जेल में डाला था करप्शन में, और ये हुदैबा पेपर मिल नवाज शरीफ ने बनाया था, ये जरदारी ने नवाज शरीफ के ऊपर बनाया था। तो ये केसेस पुराने चले आ रहे हैं, ये हमारे दौर के केसेस नहीं हैं, लेकिन जब हमारा दौर आया तो जनाब नैब थी जनरल बाजवा साहब के नीचे, उसके बाद सारे केसेस रुक गए, और वो तो खैर अब चीज़ें सामने आई गई हैं कि ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कह दिया कि उनसे तो बातचीत तो उनसे शुरू हो गई थी, तो केसेस उनके कैसे आगे बढ़ने थे। लेकिन ये समझ जाएं कि जो आज ऊपर ताकतवर बैठे हुए हैं इनकी अरबों रुपए के केसेस माफ़ हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब केसेस थे ये इनकी गवर्नमेंट थी, जो हमजा शहबाज इस मुल्क से भागा है वो तो जब एफआईए का केस आया वो जब हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन जब नवाज शरीफ के बेटे घर या मुल्क से भागे हैं तब तो इनकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनसे पूछा कि जनाब ये महंगे महंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ किधर से आई, वो वह बाहर भाग गए और फिर कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम बरतानिया के शहरी हैं। इसका मतलब कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ से चोरी करके पैसे भेजता रहे अपने बेटों के सलमान और कासिम के अकाउंट्स में और कहे जी वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो वो जवाबदेही नहीं है। तो यही बेटे भी बाहर भाग गए, उन्होंने कहा जी हम जवाबदेही नहीं है। उसके बाद दामाद भागता है शहबाज शरीफ का, वो जब नैब उसको करप्शन केस पे बुलाती है वो बाहर भाग जाता है इनकी गवर्नमेंट के नीचे। फिर इनका फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार मुल्क से बाहर भागता है जब नैब बुला के पूछते हैं कि जी आपके ये असासे हैं, ये आपके आए किधर से हैं, ये एक दाम आप तेरे मीर कैसे हो गए, वो भी मुल्क से बाहर भाग जाते इनके दौर में। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बाहर भाग रहा, इनके ऊपर तो एक दो केसेस थे,
मेरे पास, मेरे ऊपर तो 180 केस बन चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के भाग रहा? क्योंकि इन्होंने चोरी की हुई थी, इनके एसेट्स हैं, इनके पास अरबों अरबों रुपए के एसेट्स हैं जो ये बता ही नहीं सकते किधर से आए हैं, और बाहर मुल्क से बाहर लेकर मनी लॉन्ड्रिंग किया, दुगनी क्राइम है। और मैं अब आता हूं, दो और चीजें मैं आपको कह दूं, हमारे 3.5 नैब के साल में 480 अरब रुपया पाकिस्तान ने नैब ने रिकवर किया चोरी का, करप्शन का, 480 अरब रुपया। उससे पहले सारे दौर में नैब ने 280 रुपया रिकवर किया था। आज मुझे बताएं कि नैब से कितना पैसा इन्होंने रिकवर, नैब ने कितना पैसा रिकवर किया? 1100 अरब रुपया रिकवर करना था, आज वो कोई पैसा रिकवर नहीं हो रहा। अब नैब का काम है कि इमरान खान के ऊपर करो, या जो हमारे जो भी अब मुखालिफ हैं उनसे पार्टी छुड़वाने के लिए या उनको डराने के लिए, अब नैब का सिर्फ ये काम रह गया। नैब जो पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर से कहता हूँ, 480 अरब रुपया हमारे दौर में नैब ने रिकवर किया था और 1100 अरब रुपया बचा हुआ था। इन्होंने कानून बदल दिए, एक कानून बदल के नैब का कानून बदल दिया, उस पर बच गए, और दूसरा अपने अपना नैब का हेड बैठा दिया है, जिस तरह के बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अपने लोग बैठा दिए। मैं अब आगे आपको ज़रा थोड़ा सा और, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना कि आज इस मुल्क के साथ हम हो क्या रहे और हम जा किधर रहे हैं। इसमें आ जाए कि अब मेरे ऊपर केसेस हैं, मेरे ऊपर उन्होंने जिस तरह मैंने कहा 180 केसेस किए हुए हैं, लेकिन मैं अब इनमें ज़रा आपको बताने लगा हूँ कि ये कौन से ये केसेस किस, ये 6 मुख्तलिफ टाइप केसेस मेरे ऊपर किए हुए हैं। तो मैं ज़रा समझ जाए कि यहाँ अरबों रुपए की चोरी है और 30 साल पुराने से केसेस इनके ऊपर होते आ रहे हैं। मुशरफ ने NRO दिया, उधर बच गए। आसिफ जरदारी के केस थी, उसकी वो उसने सारे माल ख़रीदा हुआ था, वो इन्होंने जाके पूरा केस करके जब वो बेका सरे माल, पैसा पाकिस्तान आना था, NRO दे दिया, वो पैसा अपने पास रख लिया। $60 मिलियन स्विट्ज़रलैंड में पड़े हुए थे, वो पाकिस्तान ने केस किया वहाँ, वो पैसा पाकिस्तान आने लगा था, NRO दिया, वो वापस चले गए। तो हुदैबा पेपर मिल तो मुशरफ के दौर में उसके ऊपर आगे पेशरफ्त ही नहीं हुई, जिसके ऊपर इसहाक डार ने बकायदा, फिर से मैं कह रहा हूँ, डिटेल्स दी हुई थी कि कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था इनके लिए। तो ये लोग आज ऊपर बैठे हैं, सब केसेस माफ करवा लिए हैं, लेकिन अब कर क्या रहे हैं? अब ये कर ये रहे हैं कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी करप्शन को, नैब को और FIA को, किस तरह अब सिर्फ वन पॉइंट आ जाए, तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। अब मेरे ऊपर केसेस सबसे ज़्यादा, पहले आ जाए मेरे करप्शन केसेस क्या हैं। मेरा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर याद करा दूँ, सबसे पहले अल कादर केस क्या है। अलकादर केस यह है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, मैं पहले से सोच रहा था कि मुझे मौका मिले तो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि एक मैंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, एक मैंने अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी थी। अलकादर का मेरा मकसद ये था कि यहाँ सीरत नबी के ऊपर अपने नौजवानों को, उनको समझाया जाए, सीरत नबी के ऊपर वो खड़े हो, ताकि उनको लीडरशिप आए, साथ टेक्नोलॉजी, ये इस आइडिया था इसका। और ये यूनिवर्सिटी जब मैंने शुरू की तो उसके अंदर मेरा मकसद था कि मलिक रियाज को, क्योंकि मलिक रियाज और प्रोजेक्ट्स में, रावी सिटी में भी था, उधर भी चीप सस्ते हाउसिंग के अंदर भी थे, फिर बाद में हमने जब ये शुरू की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो वॉल्टन की थी, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान का, मलिक रियाज को सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि आप ये कर दें प्रोजेक्ट, क्योंकि मलिक रियाज की स्पीड है, सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान में। जो मलिक रियाज ने तीन साल में काम किया है हमारा ये अलकादर में, वो हमें 14-15 साल लगे नमल यूनिवर्सिटी में, यानी उतनी की उतना कंस्ट्रक्शन का काम हमें 15 साल जो लगा वो उसने 3 साल में कर दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा बिल्डर है। मेरा तो ये मकसद था, मलिक रियाज ने कहा मैं ये खुद ही स्पॉन्सर करता हूँ ये आइडिया जो अलकादर का। अब ये होती है बात, ये समझे, ये होती है 2018 की नवंबर दिसंबर की बात है। उसके बाद जब वो उसकी ओपनिंग शुरू, उसकी जो स्टोन लेंगे वो मई में शुरू हो जाती है, मई
2019 में, 2019 की दिसंबर में एक कैबिनेट का फैसला था, वो मैं बता चुका हूं आपको। कैबिनेट ने फैसला ये करना था कि क्या हमने मलिक रियाज के कुछ पैसे इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने, उन्होंने फ्रीज किए हुए थे एज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कि हमें शक है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं। और उसकी डील हो जाती है उनके साथ। अब वो पैसा, वो फैसला करता है कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज ने पैसा देना है, वो उसमें डालना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और उनकी डील होती है। हमारे कैबिनेट के सामने सिर्फ ये फैसला आता है कि अगर आप इसको डील को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जो इसके और उस पर थी, लेकिन अदालत में आप ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में पब्लिक हो जानी थी, तो वो कहता है पब्लिक ना हो, अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जाके इंग्लैंड में केस करना पड़ेगा और वहां साबित करना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। वो सिविल केस था। हमें जो कैबिनेट में बताया जाता है, और वहां याद रखें लॉ मिनिस्टर थे, वहां फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहां कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिन लोग जो इसके ऊपर बात कर सकते, तो सब ने ये जो कंसेंसस बना कि अगर हम सिविल केस करते हैं ये साबित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, वो हमें 5-6 साल लग जाएंगे, और अगर केस हार जाते पैसा वहीं रह जाता था। तो यूनानिमस फैसला होता कि हाँ पैसा तो पाकिस्तान आ रहा है। ये था, ये मेरे पे कह रहे हैं कि जनाब अल कादर यूनिवर्सिटी जो आपने बनाई है उसकी वजह से आपने ये मलिक रियाज का पैसा, ये जाना चाहिए था पाकिस्तान गवर्नमेंट को बजाय चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भाई अगर पहले तो सारी कैबिनेट का फैसला है, मिनट्स हैं उसके ऊपर, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि सारों के लिए अकल तो ये कहती थी ना कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ रहा है। दूसरा, अगर आज आप ये समझते हैं कि जी कोई इसमें गलत हुआ है, इसको गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आप लिखें कि जी गलत आ गया, इसको पैसे को वहां करें, और हम, और अगर वो मलिक रियाज ऑब्जेक्ट करता है, हम जाके इंग्लैंड में केस करेंगे, हम जाके वो साबित करेंगे, हमें साबित करना पड़ेगा। याद रखें हमारे ऊपर है, पर गवर्नमेंट पे के साबित करें कि जनाब ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था। अब ये जो भी वकील जानते हैं उनको पता है कि वहां साबित करना आसान नहीं है। बहरहाल अभी कर सकते हैं, तो इसमें इमरान खान का क्या फायदा हुआ, पैसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ वो अल कादर खड़ी हुई हुई है, वो एक ट्रस्ट चल रहा है, ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रस्टी, या इमरान खान और बुशरा बेगम को इसलिए बनाया क्योंकि उनको सीरत नबी में इंटरेस्ट है। जब आप ट्रस्ट बनाते हैं लोगों को, उनको लेके आते हैं जो कि अपना टाइम दे सके, क्योंकि इसमें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इसमें कोई TA DA नहीं मिलता, ये आप मुफ्त तब काम करते हैं जब आपका शौक हो किसी चीज में। ट्रस्ट चल रहा है, 100% वहां स्टूडेंट्स मुफ्त पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट है, जमीन है सारी ट्रस्ट के नाम पे। अगर खुदा ना खास्ता ये ट्रस्ट नहीं चलेगा, वो वापस चली जाएगी जिसने डोनेशन दी है। मेरा इसमें या मुझे इसका क्या फायदा है? इसको कह रहे हैं करप्शन। और दूसरा करप्शन सुनने जरा क्या है, तोशाखाना। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है, आपको किसी को गिफ्ट मिलती है जब आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप गवर्नर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप आर्मी चीफ हो, चाहे आप वजीर हो, चाहे आप मिलिट्री सेक्रेटरी हो, सबको, और मिलती है मिडल ईस्ट के अंदर जब जाते हैं वो तोहफे दे देते हैं। अब वो कानून क्या है? कानून सिंपल है, ताकि आप समझ जाएं ये जो सारा अपना मीडिया कंट्रोल करके पूरा जो ड्रामा हो रहा है, आप समझ जाइए है क्या ये, और मेरे ऊपर जो करप्शन का इल्जाम हो क्या है। कानून ये है, कानून कहता है कि जनाब आपने, अगर आपको जब गिफ्ट मिले, वो सीधी गिफ्ट जाती है पहले फॉरेन ऑफिस, क्योंकि फॉरेन ऑफिस होता है इन्वॉल्व, उधर से जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, कैबिनेट सेक्रेटरी फिर उसके बाद नीचे FBR के पास जाती है, FBR और फिर एक इंडिपेंडेंट अप्रेजर होता है, हमारे दौर से पहले अपॉइंट किया हुआ था नून लीग के गवर्नमेंट, वो अप्रेजर होता है। ये मिल के सारे फैसला करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। मसलन ये घड़ी है, तो ये फैसला करेंगे कि इसकी कीमत 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए, तो जो सबसे ज्यादा कीमत कहेगा ना कि 20 रुपए, तो 20 रुपए वो कहते हैं ये इसकी अब कीमत है। वो आपके मिलिट्री सेक्टर के थ्रू आता है कि जी ये इसकी कीमत है, क्या आप ये प्रेजेंट रखना चाहते हैं? तो इनके ज़माने में 20% था, हमने आके उसको 50% कर दिया। आप 50% दें तो
आप वो रख सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते, आप नहीं लेना चाहते, तो वो चला जाता है तोशाखाना में और तोशाखाना उसको ऑक्शन कर देता है। यानी ये कहते हैं ना जी बड़ी कोई कीमती किसी ने गिफ्ट दी या कुछ दी या उसका दिल खराब हो गया, तो अगर मैं नहीं लेता तो जो जो भी जिसने दिया वो ऑक्शन हो जाती है, वो पर्रे में बिक जाती है। अच्छा, अब मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि जनाब वो जो गिफ्ट जो मैंने चीज़ें जो आई और अच्छा मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मैं जो मर्जी उसे करूँ, मैं उसे बेचूँ, गिफ्ट दूँ, कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। कभी आज तक 70 साल में किसी से पूछा है कि जो आपको गिफ्ट मिली आपने उसे क्या किया? कभी किसी से पूछा आज तक? तो इनको एक चीज़ जी, इमरान खान ने गिफ्ट वो सस्ती ली तोशाखाना से, भाई वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी अवेलेबल है, वो FBR के लोग भी अवेलेबल हैं, वो अप्रेजर भी अवेलेबल है, आप उनको बुला के पूछेंगे क्या इमरान खान ने आपको किसी को कहा था कि गिफ्ट सस्ती दे? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई एक आदमी मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू गया कोई मुझे बताए कि क्या मैंने कभी किसी को कहा है कि मुझे कम कीमत पर दो? तो वो लोग बैठे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अंडर वैल्यू है तो उनसे पूछे, मैं इसका कैसे जिम्मेदार हूं? और फिर कि जी वो फलानी एक किसी एक फ्रॉड को वहां दुबई में बिठा के उसने कहा जी मैंने बड़ी महंगी कोई घड़ी ली है, उससे पता है कि वो आदमी कौन है? वो नॉर्वे से भागा हुआ फ्रॉड में, उसके ऊपर मैंने केस किया हुआ है झूठे के ऊपर, उसमें पता नहीं फरा किधर आ गई मेरी बुशरा बेगम को, उनका क्या लेना देना उससे? कहता जी वो फरा ने आके कोई घड़ी बेची, वो पता चला कि वो तो दुबई गई नहीं उस साल जिस दिन वो जिस साल कह रहे। तो सिर्फ किसी ना किसी तरह इमरान खान को पकड़ के ये करो, ये है तोशाखाना का केस। और अगर किसी को पकड़ना है तोशाखाना केस में, तो इसमें मरियम नवाज पकड़ी जाती है, नवाज शरीफ पकड़ा जाता है और आसिफ जरदारी, क्योंकि इन्होंने वहां से महंगी गाड़ियां तोशाखाना में से इन्होंने वो गाड़ियां खरीदी और सस्ते कीमत पे वो खरीद सकते ही नहीं थे, क्योंकि तोशाखाना में गाड़ी आप नहीं ले सकते। मुझे भी गाड़ी एक मिली थी, आप गाड़ी कानून के मुताबिक नहीं ले सकते। इन तीनों ने भी गाड़ी, उसने जरदारी ने 3 गाड़ियां निकाली, नवाज शरीफ ने महंगी गाड़ी पहले 9 साल चलाई और उसके बाद जाके जब 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 ये यूसुफ रजा है तब उसने डिक्लेयर की और उसकी फिर कीमत अदा की। और मरियम नवाज ने डिक्लेयर ही नहीं की तोशाखाना में गाड़ी जो कि अबू धाबी से मिली और वो उसने जाके फिर आगे बेच दी। तो मुझे ये बताएं कि इनके ऊपर जो वाजे तौर पे कानून टूटा हुआ है, इसमें तो कानून ही कोई नहीं टूटा, मुझे बताएं मैंने क्या इलीगल चीज की है? उन्होंने तो कानून तोड़ा हुआ है, उनको नहीं कुछ किसी को पकड़ना। फिर आगे चले, मेरे पर एक केस है जी कि मेरी बहन को मैंने इन्फ्लुएंस करके 1-6 अरब की जमीन दिलवा दी सिर्फ 6 करोड़ में, और 6 अरब की इसलिए क्योंकि वहां को नहर लग रही थी तो उससे उसकी कीमत ऊपर चली जा रही थी। और मैंने जबरदस्ती लोगों से कह के, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जबरदस्ती कह के वो किसानों से उसे जमीन दिलवा दी। अब ये इतने डफर्स हैं, इनको ये नहीं पता कि जो मेरी बहन ने पैसे दिए वो चेक से दिए हुए पैसे। चेक 25 अप्रैल को 2022 को एक चेक दिया गया है और 2 जून 2022 को दूसरा चेक दिया गया है। इमरान खान 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर हट चुका था, तो मैंने कैसे इन्फ्लुएंस किया वो किसानों को? सो अगर ये है मेरे ऊपर करप्शन के केसेस, इसके ऊपर चक्कर लग रहा है मेरे, कभी एक अदालत से कभी नैब में जा। अच्छा, और तोशाखाना के ऊपर नैब का भी केस है, तोशाखाना के ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी केस है और FIR भी कटी हुई है एक ही तोशाखाना के ऊपर। ये आ गए करप्शन के केसेस। आगे चले जरा, मैं आपको जरा बता दूं कि और कौन से केसेस हैं। अच्छा जी, कत्ल केस, मर्द कोयटा के अंदर कत्ल होता है, उसके 4 घंटे के अंदर अंदर शबाज शरीफ का जो मशीर होता है मिस्टर डेंटोनिक, वो जाके एकदम TV पे आके कहता है कि जी इमरान खान ने इसको कत्ल कर दिया। उस वक्त मेरे पर 150 केसेस थे, मुझे क्या पता कि कौन वो कौन सा केस है, कौन सा वकील है, वो मेरे हमें रेडार पे नहीं था कि पता नहीं वो क्या केस है। मुझे तो ये नहीं पता केस क्या था जी, वकील को इमरान खान ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसके बेटे को उठाती है पुलिस
सारे क्वेटा को पता क्या हुआ, क्योंकि सारी वुकला कम्युनिटी को पता है। उसको 12 घंटे पुलिस रखती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और उसके बाद वो FIR में इमरान खान का नाम ले देता है कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके अगले दिन उसकी बीवी, वो बीवी स्टेटमेंट, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि ये मेरे खानदान ने, रिश्तेदारों ने इसका कत्ल किया है। उससे पहले एक बकायदा डेमोंस्ट्रेशन होती है उस वकील के खिलाफ कि इसने हमारा कत्ल करवाया है। अदालत को वही वकील जाके कहता है कि मेरे केसेस सिबी में ना लगाओ, क्यों यहां लगाओ, क्योंकि हमारी दुश्मनियां हैं। उसका कत्ल मेरे पे डाल के और FIR कट जाती है 302 की, और कहते हैं जी आप कोटा जाके अपेयर करें। और फिर इससे पहले जिले शाह का जब 8 मार्च को कत्ल होता है, पुलिस कस्टडी में, मेरे ऊपर फिर कत्ल का केस डाल देते हैं। मैं घर में बैठा हुआ हूं, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा, क्योंकि यहां टेयर गैसिंग चल रही थी उस दिन, क्योंकि हम अपनी रैली निकालने लगे, पता चला जरा एकदम 144 पुलिस से लगा के तो रैली रोक दी है। तो मैं अंदर बैठा, मेरे ऊपर 302 का कत्ल का केस हो जाता है। 3 दिन के बाद जब जिले शाह का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको कत्ल किया, अब उसके बाद पुलिस फंस जाती है। फिर क्या करती है, नहीं जी वो एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट में भी फिर मुझे किस बात है कि जी मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक और FIR कट जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो कत्ल करने का केस है, ये याद रखें कि ये पहले से, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये पुराने ग्राहक हैं, ये लोगों को कत्ल करवाने के ये हैं, ये शहबाज शरीफ खास तौर पे, और ये जो लोगों के ऊपर झूठे केसेस करने के, ये मास्टर हैं उसके। मैं अब बात कर रहा हूं, ये जब 97 से 99 तक, ये शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था और भाई साहब ऊपर प्राइम मिनिस्टर थे, जरा ये छोटी सी एक आबद बॉक्सर ने इसके ऊपर कहा हुआ डॉक्यूमेंट्री वो सुने। मैं सचो सब्जादार था उस वक्त, मुझे सीनियर अफसर ने बुलाया और क्लियर ये कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ का, ये 5 बंदे सब्जादार में मरवाना चाहते हैं। मैंने इनकार किया, मेरे इनकार के बाद ये ड्यूटी उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड उमर विर्क की लगाई, और वो उमर विर्क ने 5 सब्जादार में बंदे वो कत्ल किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल छपता है, ये जब 97 से 99 तक था शहबाज शरीफ, आर्टिकल क्या है उसमें कहता है 850 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोगों को मरवाया जाता है जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था। और उसके अंदर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल कंफर्म करती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि पुलिस इनकाउंटर के जरिए शहबाज शरीफ ने लोग, इसके दौर में लोग मरवाए गए। अब जरा ये सुने कि आबिद बॉक्सर क्या कहता है। पंजाब में जाली मुकाबलों के लिए पुलिस इंस्पेक्टर्स को कैसे मजबूर किया जाता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की नए वीडियो में सनसनीखेज इंकशाफात। मुझे हिरासत में लेकर झूठे मुकदमात में नामजद किया गया, ये उनकी जानिब से कहा गया। कुछ चीजें जो मीडिया और पब्लिक के सामने लाना चाहता हूँ, ये किस तरह मियां शरीफ, मियां नवाज शहबाज शरीफ साहिब साहब लोगों के रिकॉर्ड बनवाते हैं, किस तरह उन्हें जाली कुर्फ मुकाबले में मारा जाता है, किस तरह लोगों की जायदादें हथियाई जाती हैं, ये तमाम चीजें मैं आज पब्लिक के सामने रखूंगा ताकि वो उसका फैसला कर सके। मैं 99 में बतौर SHO फैक्ट्री एरिया तैनात था, मैं मांगू एक रकबा बाद गुच्छा की मलकियत के लाल लगा थे, मियाँ साहब उसको खरीद चाहते थे लेकिन कीमत मियां साहब की मर्जी की डिसाइड नहीं हो रही थी, जिसके बाद मियां साहब ने उसको हथियाने का फैसला किया। लियाकत नाम के मालिक को मुदई बना दिया गया और मुदई बनाने के बाद उसको एक पर्चा दे दिया गया कि ये तमाम रजिस्ट्रियां बाल गुच्छा की जो है ये जाली और बैक डेटेड है, और एक फिक्रा लिखवा दिया गया कि मेरे मामू जफर अब्बास ने मालिक को धमकी लगाई है कि मैं आबद बॉक्सर से तुझे मरवा दूंगा। ये जो बात या ये जो लाइन है एंटी-करप्शन लॉ के मुताबिक कोई जुर्म नहीं बढ़ता, ज्यादा से ज्यादा अगर होता तो 506 का पर्चा मेरे मामू के खिलाफ दर्ज हो सकता था। मेरे मामू पे प्रेशर डाला गया, मेरे मामू ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और वो बच्चों के साथ बैरून मुल्क चले गए। मियां शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पर मुझे मुअत्तल कर दिया गया, मुअत्तल करने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद मुख्तलिफ थानों में मुझे जेर हिरासत रखा गया, उसके बाद एक लेटर
हमजा शहबाज का जो मंजरे आम पे आया, तमाम पाकिस्तान के अखबार में छापा, उसमें उसने फवाद हसन फवाद साहब को लिखा कि आप उस बॉक्सर के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, और एक फिक्र आखिर में लिखा, प्लीज नोट इट दैट वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग द वर्ल्ड लीगल और इलीगल। इसके बाद मुझे अच्छा जी, अब ये जरा समझ जाए कि जो कत्ल और उसने शहबाज शरीफ ने एक और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं आर्मी चीफ को अब कत्ल करवाना चाहता हूं, कि मैं प्लान कर रहा हूं आर्मी चीफ को कत्ल करवाने के लिए। और इस देखें, वो जो होता है ना, वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में है कि टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी चोर जो होता है वो चोर को पकड़ सकता है, क्योंकि चोर चोर की तरह सोचता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी ये जुराइम पेशा लोग हैं, ये इसको पता है कि इमरान खान कोई कत्ल नहीं करवाना है, इनको पता है कि नाम है सबको, क्वेटा को पता है नाम, मैंने उसको कत्ल करवाया ना या जिले शाह को, लेकिन ये झूठे इल्ज़ाम लगाने के ये मास्टर है। अच्छा, ये कत्ल ये हो गया, जैसे मर्डर केसेस, ये मेरे पास एक FIR उधर की कटी हुई है और एक इन्होंने जिले शाह के ऊपर और चेंज करके कटवा दिए। फिर आ जाइए दहशतगर्दी, ज़्यादातर अब मेरे पर केस दहशतगर्दी की अदालतों में है। अब वो दहशतगर्दी के केसेस कैसे हैं, 9 में से पहले केसेस हैं, वो केसेस क्या है जनाब, मैं कोई डेमोंस्ट्रेशन हो रही है, किसी कोई मुजाहरा हो रहा है PTI का, कोई मुजाहरा में कोई इंसिडेंट होता है जनाब, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस, एक इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा हो रहा है, उसके अंदर कुछ आपस में कुछ होता है, मुझे क्या पता, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा। मरियम नवाज की वीडियो है सबके पास कि ये जाके, ये जब इसकी पेशी होती है नैब के अंदर, तो पथराव करते हैं नैब के ऊपर, गाड़ी भरी होती है जिसमें पहले पत्थर लेके जाते हैं, पथराव होता है, कोई केस हुआ उसके ऊपर, कोई दहशतगर्दी का केस हुआ, कोई केस हुआ, तो कुछ भी होता है, कोई डेमोंस्ट्रेशन के इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का। अच्छा, फिर 9 मई आ जाए, अब 9 मई के बाद मेरे ऊपर एक और बारिश होगी केसों की, अब हर रोज कोई नया केस आ जाता है कि वो जी मियाँ वाली में वो जो जहाज जलाया गया था, वो उसमें भी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस है, सारी जगह केसेस आ गए। अब ये पहले 9 मई को क्लियर कर दें, 9 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया था वो गैर कानूनी और गैर आइनी था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मजलूम मैं हूं, मुझे उठाया जा रहा है एक दहशतगर्द, एक मुजरिम की तरह, वहां से डंडे मार के, रेंजर्स नहीं कमांडोज थे, क्योंकि जो मेरे 4-5 कमांडोज थे उनको वो तो एकदम पहचान गए, कमांडोज थे, कमांडो एक्शन में जो मुझे वहां से उठाया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि कौन सी, किस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की उसको जलील किया गया, लोगों को मारा गया, वहाँ के स्टाफ को मारा गया जो वहाँ स्टाफ बैठा हुआ था, रजिस्ट्री ऑफिस का, हाई कोर्ट का स्टाफ, वकीलों को मारा गया, डंडे मारे गए, वो बेचारे 4-5 गार्ड थे इतने ज़्यादा, उन्होंने उनको मारा, मेरे लगा डंडा, जिस तरह मुझे पकड़ के लेके गए। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी था, जलील किया मुझे, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आना था, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो क्या लोगों को जो देख रहे थे उस, और सिर्फ रिएक्शन यहां नहीं आया, जिधर पाकिस्तानी इंटरनेशनल था वह सारी जगह रिएक्शन आया, रिएक्शन आना था, क्योंकि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, तो जो लोगों ने देखा अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर रिएक्ट ही करना था। तो मजलूम यानी जुल्म मेरे पे होता है, मेरे लोगों बिल्कुल उनकी जायज़ होती है कि वो आके पुरमन एहतजाज करें, क्योंकि कानून इजाज़त देता है, एक नाइंसाफी होती है उसके ऊपर पुरमन एहतजाज करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान, फिर से मैं कहता हूँ, अब इंटरनेशनल जो होता है क्या वहाँ भी वो गलत लोग निकले थे, उस सब को एक बस जनाब फौज के खिलाफ कुछ हो गया, शोधा के खिलाफ कुछ हो गया, उसको उस मद में डाल के कोई बात नहीं करता कि वहाँ गोलियाँ चलाई गई, 79 लोगों को मारा गया, 25 लोग कम से कम इन्होंने मारे हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं है, जो पुलिस ने 25 लोगों को गोली कत्ल किया,
शहीद किया मैं कहता हूं, क्योंकि पुरमन एहतजाज हक के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना तो हमारा हक है, उसके ऊपर लोगों को कत्ल किया गया और वो शहीद हैं। जो इंसाफ के लिए खड़ा होता है उसको शहीद कहते हैं। 16 के पास हमारी एड्रेसेस हैं, जो 16 जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, वो बेचारे डरे हुए बैठे हैं, मुश्किल से नाम दे रहे हैं। जो बाकी 8-9 हैं उनको हमें बता ही नहीं रहे क्योंकि वो डरे हुए अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस तरह इन्होंने, जिस तरह जिले शाह के घर सारी पहुंच गई थी इनकी, सारी पंजाब के IG और सारे, और उसे जब जब उसकी जब बॉडी थी तो उसको कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ, ज़मीन पे पड़ा, ये मिला है साइड पे, जो सारे बॉडी के ऊपर जो पोस्टमार्टम में तशद्दुद के, क्योंकि कभी एक्सीडेंट में भी तशद्दुद होता है, तो सारी पुलिस पहुंच गई और वो बेचारे पीछे सहम गए। उसी तरह सारे जो उनके रिश्तेदार है जो हुआ है वो सारे सहम गए, 9 का हमें पता नहीं चल रहा, और 16 जो हैं उनके उनको वो दे नहीं रहे, उनको रिपोर्ट नहीं दे रहे, उनके पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। तो पहले तो उनको कत्ल किया, शहीद किया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर दबाव डाल दिया, जो मजलूम है उन्हीं के ऊपर डाल दिया, केसेस भी उनके ऊपर कर दिए। उसके अलावा जो टोटल गोलियां लगी हैं वो 100 से 200 गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे उनको उठा के जेलों में ले गए जो जिनको गोलियां लगी थी। 3 की टांगें कट गई, 1 पैरालाइज हो गया जो पीछे गोली लगी, लेकिन सिर्फ वो बिल्डिंग्स को आग लगा दी। भाई हम सारे मुजम्मत करते हैं, मैं वो जजमेंट में देख लें चीफ जस्टिस की, कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। मैं तो जब चीफ जस्टिस के वहाँ सामने हुआ उन्होंने बताया कि जी, मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, 27 साल से मैंने लोगों को कहा हुआ है कि कानून के बीच में रह के हमने हमेशा और रहे हैं कानून के बीच में, हमेशा एहतजाज हमने कानून के बीच में किया। हमने जब 126 दिन का धरना दिया, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो हमारा प्रोटेस्ट था, क्या हुआ, कितनी क्या लड़ाई, कोई लड़ाई हुई, कोई लोगों को मारा दाड़ा, सारी दुनिया आती थी प्रोटेस्ट करके चली जाती थी। मैंने कोई 70 जलसे किए पावर से निकलने के लिए, 17 तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, कोई बताएं कोई किसी किस्म का इंतशार हुआ, मुझे गोलियां लगी तो कोई बिल्डिंग जलाई गई। तो ये जो हुआ है हम बार बार कह रहे हैं कि जी इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हर चीज़ की हमेशा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती, हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा। हमारे पास जो एविडेंस है कि ये लोग अंदर घुसाए हुए थे जिन्होंने जाके ये जो जलाई है, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो हुआ है कोर कमांडर का घर, इसके ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन हो, आपको पता चलेगा कि पीछे कितनी बड़ी साजिश हुई है। ये सबसे पहले तो पंजाब पुलिस IG पुलिस से पूछे, जब कैपिटल हिल के अंदर वॉशिंगटन में जब ट्रंप के सपोर्टर्स चढ़ गए, सबसे पहले उन्होंने पुलिस चीफ को खारिज करवाया, उसको उससे फारग किया। तो इससे क्यों नहीं कोई पूछ रहा, ऊपर से ये कह रहे जी इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में, ये इमरान खान इसमें मुलव्वज़ था। तो इन्होंने तो पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एक पूरी जमात को, जो सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करने के लिए, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को जेलों में डाला, जो कर रहे हैं लोगों से, यानी मैं कभी नहीं समझता था कि ये मुल्क इतना नीचे चला जाएगा, कि हमारी अखलाकियात इतनी गिर जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग भी जाने से पहले कहते थे, ना तुमने औरतों को मुखालिफ दुश्मनों की, ना औरतों को, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना दरख्त काटते हैं, यानी इतना दुश्मनों के खिलाफ था जो हमारे साथ हो रहा है, और ना औरतें देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना उनकी बिजनेसेस देखते हैं, जिस तरह का उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले सबके ऊपर पहुँच जाते हैं, यानी ऐसी कभी मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो हमारे खिलाफ इस वक्त हो रहा है। और आड़ किसकी ले रहे हैं, जनाब बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हमने 9 मई को, तो 9 मई को जो मेरे से जुल्म हुआ, जो शुरू ही हुआ, जो जिसकी वजह से सारा कुछ रिएक्शन हुआ, उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। और इसलिए मैं ये अभी तो जो केसेस अब बन रहे हैं उसकी आड़ लेके हर दूसरे दिन एक नया दहशतगर्दी का केस बन जाता, जो 180 तक पहुंच चुका हूं, और ये अब मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए कि मैं सारी जगह भागा फिरूं, कोई मियांवाली में केस है, फैसलाबाद में केस, जिधर जिधर जी वो 9 मई का बना के जिसको केसेस है। तो कोशिश कर रहा हूं, मुल्क से तो नहीं भागूंगा,
होगा, हो सकेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये नहीं कर सकूँ और जेल में डाल देंगे, डाल दे, तैयार हूँ मैं जेल के लिए। सिर्फ एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, ये 144 से लगा देते, एक ये नया ड्रामा शुरू किया। हम अब इलेक्शन कैंपेन 8 मार्च को इलेक्शन कैंपेन का अपना आगाज़ करते हैं, 7 मार्च को बैठ के पुलिस से तय करते हैं रूट ये लाहौर की कि हम अपनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल का इलेक्शन अनाउंस कर देता है, तो हम अपनी आगाज़ करते हैं कैंपेन का। सुबह पता तो चलता है जी एकदम सारी जगह पुलिस पहुंच गई, रास्ते बंद कर दिए हैं, वाटर कैनन्स आ गए हैं, टेयर गैसिंग शुरू हो गई, जो रैली, और मैं घर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, अब मैंने रैली ज्वाइन करनी है, पता चला जनाब टेयर गैसिंग हो गई है, मेरे घर के बाहर पुलिस पहुँच गई है। उसके बाद अगले दिन उस दिन जलेशा कत्ल हो जाता है, और जो तशद्दुद से उसको बेचारे को शहीद करते। उसके बाद ये जरा सुनते जाएं, 14 मार्च को वारंट आ जाती है मेरे घर में कि जी आपको हम पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो 18 मार्च को मैंने एक अदालत में अपेयर होना है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, चार दिन पहले पुलिस पहुंच जाती है, आपको अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी होना है तो एक दिन 24 घंटे में पेश करना पड़ता है, वो 4 दिन पहले पुलिस पहुंच जाती है। और वो जो केस था, मैं कह रहा हूं, मैं, हमारी सीनियर लीडरशिप कह रही है हाँ जी इमरान खान अदालत में पेश होगा, वो सारे बार पुलिस को कह रही है, वो सुन ही नहीं रहे। उसके बाद जो ये जरा समझ रहे हैं, जो CRPC क्रिमिनल कोर्ट का जो सेक्शन 75 है उसके मुताबिक अगर आप वकील आपको अश्योरिटी बॉन्ड दे देता है कि इमरान खान 18 को पहुंचेगा तो वो अरेस्ट नहीं कर सकते। यहां का जनाब जो CCPO है उसके पीछे मेरा वकील, और वो भी वकील भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वो पीछे फिर रहे अश्योरिटी बॉन्ड लेने के, वो मिल ही नहीं रहा उसे, क्योंकि बदनीयत है। यहां फिर मुझे अगवा करने आए थे, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर अटैक किया। अच्छा, अब फिर 144 वहां हमारा 14 मई को जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करने जा रहे, तो हम 6 मई को अपनी आईन के लिए, क्योंकि आईनी तौर पे इनको इलेक्शन करवाना चाहिए था 14 मई को, जब आईनी तौर पे इलेक्शन नहीं कर रहे तो हमें क्या पता चलता है कि जी एकदम इस्लामाबाद में हम रैलीज निकाल रहे हैं, सारे मुल्क में रैलीज निकल रहे हैं, इस्लामाबाद में रैली निकलती है 140 इमरान खान के ऊपर, यहाँ केस हो जाता है। सारे पाकिस्तान में रैलीज निकल रही हैं लेकिन इस्लामाबाद में जी, क्योंकि 144 लगा दिया था, वो 140 लगता ही सिर्फ हमारे लिए। मौलाना फजलुर्रहमान ने रेड जोन में जाके 144 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरा गालियां निकाली चीफ जस्टिस को, अदालतों को गालियां निकाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खड़े होके, और इन सारों ने तकरीरें की रेड जोन के अंदर। उसके लिए 144 नहीं था, उसको बल्कि फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत जाके वो रैली निकालने के लिए। लेकिन एक आईन को के लिए, एक आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके लिए रैली निकल रही है, और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस। तो ये हैं इस तरह के केसेस। मैं आखिर में अब कहना क्या चाहता हूं, देखिए मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, मैंने तो इसका मुकाबला करना ही है, मैं तो आपको कह बैठा हूं, इतने ज्यादा केसेस हैं मेरा तो, अब मैं वकील ही तकरीबन बन गया हूं, और मेरा अब अदालतें तो मेरे ऑफिस ही बन गई है, मेरा तो हर रोज़ ऐसे है कि जिस तरह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और मैं तो इसका मुकाबला करता रहूँगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अब मैं मियांवाली भी जाना है तो क्वेटा भी जाना है, ये हो सकता है कि मैं अब ना करूँ, इन्होंने वारंट निकाल दिया, अरेस्ट कर देंगे। प्लान तो इनका कि किसी ना किसी तरह इसको अरेस्ट करो ताकि ये जेल में जाए और फिर इसकी पार्टी तोड़ो और उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस करो, ये इनका प्लान है। मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम से आखिर में क्या कहना चाहता हूँ, देखें ये जो हो रहा है ना, ये इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीते ना जीते, जेल में जाए, लेकिन मसला तो पाकिस्तान का है इस वक्त। तो मैं आपके लिए अब कह रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की अब तबाही है। ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं, और मैंने आपको इनके केसेस बताए, ये तो कुछ भी नहीं है केसेस, इनके ऊपर तो पूरी किताबें हैं इनकी केसेस के ऊपर, इनके ऊपर तो बाहर की किताबों में इन दोनों के जरदारी और नवाज शरीफ खानदानों के ऊपर चोरी के ऊपर इनके ऊपर किताबों के अंदर मेंशन किया हुआ है, बाहर के अखबारों में है, ये एक दूसरे के मुतालिक क्या कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट इनके मुतालिक क्या कहती थी, तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि इन्होंने क्या किया।
अब ये जो प्लान बन रहा है कि इमरान खान को जेल में डाल के इनको वापस लेके आना, चले इमरान खान जेल में भी चला जाता है, ये वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुल्क का क्या बनता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुल्क का जो हालात हैं, ये जो जनरल बाजवा ने ये इंजीनियरिंग करके इनको ऊपर बैठाया है, क्या मुल्क बच जाएगा ऐसे? मुझे ये बताएं कि माशी सिर्फ माशियत को देख लें कि हम जब एक साल मेरे हटाने से एक साल पहले जो हमारा डॉलर, क्योंकि असल मसला पाकिस्तान का डॉलर्स का है, हम क्यों आईएमएफ के घुटनों में फिर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, आईएमएफ से हमें डॉलर्स चाहिए। लेकिन जिस वक्त हमारा जो आखिरी साल था 8.7 अरब डॉलर का हमारा डॉलर इनकम में इजाफा हुआ था, एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में 8.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। इस साल जब से ये जनरल बाजवा के ये तोहफे आए हैं, इन्होंने एक साल के अंदर 8.5 अरब डॉलर की कमी की है रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में। वो जो हमारा बड़ा था और हमारा पूरा इंच माशाल्लाह जिस तरह हम जा रहे थे, मजीद हमारे और बढ़ना था, क्योंकि हमारा दो साल में बढ़ता जा रहा था, इनका एक साल में 8.5 अरब डॉलर कम हुआ है रेमिटेंसेस में और एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब कि 3 अरब डॉलर के तो हम कर्जे ले रहे हैं उनसे, और जो आमदनी है वो सुकड़ती जा रही है। अगर एक घर के अंदर आपके ऊपर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं तो आप आमदनी बढ़ा के कर्जे वापस करेंगे ना? अगर आमदनी आपकी कम हो रही है तो कर्जे आपने कैसे वापस करने? तो ये है तबाही की तरफ। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, अवाम को सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। जो इस मुल्क के काबिल लोग हैं वो बाहर जाने का सोच रहे हैं। 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं नजर आ रही। क्योंकि उम्मीद ये जब इन शक्लें देखते हैं जो दुबई में बैठ के गिद्धों की तरह पाकिस्तान की बंदर बांट कर रहे थे, वो लोगों के लोग पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं। आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। ऊपर इंसाफ का निजाम जिस मुल्क में ये हो कि ये चोर ऊपर बैठ के अपने केसेस अरबों रुपए के 1100 अरब रुपए के केस माफ करवा दें, और वो जो लोग जिनकी इंसाफ की तहरीक जो 27 साल लेके आए थे कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, उनके ऊपर केसेस की बारिश हुई हुई है। इनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस थे, मेरे पर 180 के करीब केसेस हैं। कभी हुआ है दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे कभी हुआ है? लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि यहां मुजरिम ऊपर बैठ गए हैं। और मैं कौम को आज कह रहा हूं, मैं सारे वो लोग जो कि ये गलत काम कर रहे हैं इन चोरों के लिए, देखें अल्लाह ने क्यों कहा था कि रिस्क मेरे हाथ में है? उसने इसलिए कहा था कि कोई अपनी रिस्क बचाने के लिए, तनख्वाह बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आप कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर अल्लाह ने लाजम किया हुआ है कि आप कानून के मुताबिक चलें। बरतानिया में किसी पुलिस वाले की जरूरत, किसी ऊपर ऑफिसर की जरूरत ना हो कि नीचे पुलिस वाले को कह के गलत काम करो, किसी के घर के तोड़ के अंदर चले जाओ, वहां उसका घर लूट लो, उनकी बिजनेसेस बंद कर दो, जरूरत ना हो, पुलिस चीफ की जरूरत ना हो, क्योंकि उसे पता होगा कि कानून में वो नीचे खड़ा होकर कहेगा मैं ये नहीं करता, ये कानून मुझे इजाजत नहीं देता। वहां आप वहां का इसलिए वो कामयाब है मुल्क, इसलिए हमारे लोग बेचारे समुद्रों में डूबने की रिस्क लेते होते पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां इंसाफ है। वहां किसी को गलत काम करने के लिए आप हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि कानून है, इंसाफ है, राइट्स हैं लोगों के, उनके फंडामेंटल राइट्स की उनकी अदालतें उनकी हिफाजत करती हैं। यहां पकड़ पकड़ के जिसको मर्जी उठा के अंदर जेलों में डाल दो, जिसको मर्जी तशद्दुद करो, जो तशद्दुद की कहानियां हैं इतनी खौफनाक हैं जो ये इस वक्त लोगों के ऊपर हो रही है, पकड़ चुन चुन के लोगों को ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, सब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है ये। तो जो लोग ये सारे लगे हुए हैं और नैब में बैठे हैं, एफआईए में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि देखें आप अल्लाह को जवाब दें। आप ये जो चीजें कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की तबाही के रास्ते पर मुल्क को लेके जा रहे हैं, और आप अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है, जब रिस्क अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है, आपको गलत काम करना और गुनाह करना की ये ना कहना ऊपर वाले को कहेंगे कि नहीं जी मैं तो क्या करता, मुझे ऊपर से गलत ऑर्डर आया है,
आपका आपका राइट है कि गलत को ऑर्डर्स आप ना माने, ये आपको कानून इजाजत देता है, जो कि किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर की जरूरत नहीं है किसी निचले वाले से गलत काम करवाया जाए। ये मैं सिर्फ आखिर में इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म दिया हुआ है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो, वो माशरे का बुनियाद बनती है और अदल और इंसाफ और अमर बिल मारूफ पे माशरा खड़ा होता है, जो वो माशरा ऊपर जाता है जो मदीना की रियासत में हुआ था। और उसके जब आप खिलाफ जाएंगे तो वो आप अपने फिर तबाही का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो मुझे अफसोस से कहना पड़